मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम 9वीं कक्षा के अंतर्गत स्पर्श भाग के अंतर्गत पद्य भाग में से रहीम के दोहे का जो है विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत अब तक जो है हमने यहाँ पर पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा और सातवां, आठवां का जो है दोहा हमने अध्ययन किया है। ठीक है, तो मैं जो है कल जो सात और आठवां दोहा का हमने अध्ययन किया था, उसका थोड़ा बहुत जो है संक्षिप्त विवरण करते हुए आगे के दोहों को बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, नाद ऋजि तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजेहु कछु ना देत। यानी यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर कवि कहते हैं कि रहीम दास कि हम जो है पशु से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि यहाँ पर हिरण जो है एक बार संगीत के और मंत्र मुग्ध हो जाता है तो वहां पर शिकारी आने पर भी जो है वे वहां से हटते नहीं हैं, यानी वो अपना प्राणों को निछावर जो है संगीत के लिए कर देते हैं। वैसे हमारे पास सब कुछ देते हुए भी, हमें सब कुछ देते हुए भी हम कुछ दूसरों को कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, परोपकारी गुण जो है हमें कम है, इसीलिए हम पशुओं से भी गए गुजरे हैं। ये वाली चीज को जो है न होने के लिए हमें ये जो है इस दोहे के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो चलिए, आठवां था, बिगड़ी बात बने नाही लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मते न माखन होए। देखिए यहाँ पर ये भी जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है, क्योंकि एक बार जो है बात बिगड़ जाती है उसे आप लाख कोशिश करने पर भी जो है वो फिर से बन नहीं सकता। यानी इसीलिए आप जब भी दूसरों के साथ, बड़ों से हो या छोटों के साथ, किसी के साथ भी हो, सोच समझ कर बात किया कीजिए। एक बार बात बिगड़ गई तो आप कुछ भी करेंगे तो वो फायदा नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि दूध, दूध से ही जो है दही बनकर, दही से छाछ बनकर बाद में जो है मक्खन बनता है। तो लेकिन यहाँ पर दूध जो है एक बार फट जाता है तो उसे आप कितने बार भी मंथने पर उसमें मक्खन आएगा क्या? नहीं आएगा। इसके लिए ये उन्होंने उदाहरण दिया है कि बिगड़ी बात जो है एक बार बिगड़ जाती है तो वो फिर से बनती नहीं है, इसीलिए सोच समझ कर जो है आपको बात करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लगु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा 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 करे तरवारी। तो देखिए यहाँ पर इस दोहे को पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। बड़े नैने बड़ों, ठीक है, उच्च पद वाले, ठीक है, बड़े इनके तो उच्च पद वाले या बड़ा, ठीक है। लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा या सामान्य, ठीक है। उसके बाद देखिए, दीजिए यानी देना है, कहा करे, कहा करे यानी, कहा करे का अर्थ होता है क्या करेगी, तरवार यानी तलवार है। देखिए अर्थ यहाँ पर सिंपल है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां सुई की काम आती है वहां तलवार का काम नहीं आता है। तो यहाँ पर कोई भी कितना भी देखिए, तलवार देखने में कितना विशाल है, राजा महाराजाओं के हाथ में होता है, लेकिन यदि कपड़े में जो है आपको एक बटन लगाना है तो किसका काम आता है, सुई का या तलवार का? देखिए सुई जो है छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, और तलवार जो है विशाल रूप का होता है। तो इसमें अंतर देखिए, यही कहना चाह रहे हैं कि समय के अनुसार जो है उन चीजों का महत्व हमें मिलता है। यहाँ पर क्या कहते हैं, बड़े हो या छोटे सभी को आप सम्मान देना है। ये क्या करता है, छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं, खोटा सिक्का भी जो है कभी ना कभी काम में आता है। किसी को आप जो है वह अमीर है इसीलिए उसके साथ दोस्ती करना,
कोई गरीब है इसलिए उसे छोड़ देना, दोस्ती उससे दूर रहना ऐसे मत करने के लिए यहाँ पर रहीम दास आपको बता रहे हैं। कोई भी जो है सामान्य या महान नहीं होता, ठीक है, उसके कर्मों से वो महान बनता है। पैसे हैं इसका मतलब उसके साथ रहेंगे तो ये मतलब नहीं है। गरीब है लेकिन गुण से अच्छा है तो उसकी भी आप जो है मायने रखना है, उसे आमिर के लोगों के सामने उसे आप जो है दूर नहीं रखना है, उसे आप जो है घृणा नहीं करना है, उसे द्वेष नहीं करना है, क्योंकि जहां सुई की काम आती है वहां तलवार का कुछ काम नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। यानी वो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी आपको मदद करता है, इसीलिए हर एक व्यक्ति को आप सम्मान कीजिए, उसे आदर से बात कीजिए, ये कह रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कोई अमीर हो या गरीब हो, सभी को आप जो है अच्छे रूप में या अच्छे से उनसे बर्ताव कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आप दोनों को जो है आपको मदद में जरूर आएंगे। इसीलिए कभी भी जो है उनको हल्के में नहीं लेना है, वो उनका कोई महत्व नहीं है ऐसे नहीं समझना है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज की जो है आपको मदद पड़ती है। इसीलिए उन्होंने अच्छा सा एक उदाहरण दिया है सुई और एक तलवार का। देखिए सुई जो है आप देखे होंगे कहीं छोटे छोटे यानी कपड़ों में जो है सीने के लिए जो है काम आते हैं बटन को लगाने में, आप उसे बटन लगाने के लिए तलवार का प्रयोग नहीं कर सकते, वो बात जो है बिगड़ जाती है। तो इसीलिए ध्यान में रखिए कि यहाँ पर रहीम दास यही कह रहे हैं कि किसी या अमीर है उसके सामने कोई आपका मित्र जो है इतने साल से आपके साथ अच्छा रहा है, उसे अमीर जो है लड़की आपको मित्र मिलने के कारण उसे छोड़ देना है, ये सही नहीं है। सही सभी को जो है एक रूप से देखना है, कहीं ना कहीं आपको उसका उपयोग या उसका महत्व तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर तलवार और सुई का जो है उदाहरण दिया है। इसीलिए ध्यान में रखिए कोई भी व्यक्ति हो कोई भी वस्तु हो आपको कहीं ना कहीं उपयोग आ जाती है, इसीलिए किसी को घृणा या द्वेष करना उसे दूर रखना ऐसे मत कीजिए, ठीक है, इस दोहे में वही कहा गया है। तो चलिए अगला दोहा देखते हैं। देखिए यहाँ पर रहीम न निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। देखिए कितना अच्छा है आपके लिए, तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक जगह कमल जो है खिला हुआ है, दूसरी जगह क्या हुआ है यहाँ पर कमजोर हुआ है, सूख गया है। तो दोनों का देखिए जब कमल खिला हुआ है कितना अच्छा लगा है, जब सूखा है उसे कोई आपको देखने में अच्छा लग रहा है नहीं। तो यहाँ पर इसे समझने से पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। देखिए यहाँ पर निजे यानी अपना, ठीक है, विपत्ति यानी मुसीबत, उसके बाद सहाय यानी सहायक, जलज यानी कमल है जो जल में खिलने वाला, रवि यानी सूर्य, संपत्ति यानी धन दौलत। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, देखिए कमल क्यों खिला है, क्योंकि वहां पर तेज धूप पड़ते हुए भी वो कमल खिला है, क्योंकि उसका जो उसे खिला हुआ रखने के लिए उसे पानी जो है महत्वपूर्ण उसका आहार है, ठीक है, खाना है उसका। तो उसी प्रकार यदि आप वहां पर पानी नहीं है, कमल जो है सूरज सूरज के किरने तेज किरने पड़ने पर भी जो है पानी होने के कारण कमल सूखता नहीं है, उसी जगह उसे आंतरिक जो है शक्ति उसकी पानी है, पानी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, सूख जाएगा। इसका मतलब कबीर रहीम दास यही कह रहे हैं कि आप यदि बड़े व्यक्ति बनते हैं तो वो किसके कारण, यानी विद्वान बनते हैं तो वह आपके ज्ञान के कारण। इसीलिए आपका जो दायित्व है, आप अभी छात्र हैं तो पढ़ना है, पढ़कर जो है विशाल आपने जो है ज्ञान का भंडार संग्रह कीजिए, यानी पानी यानी यहाँ पर ज्ञान का भंडार का संग्रह, अनुभवों का संग्रह, तभी आप क्या होंगे, कितने भी कठिनाइयां आ जाए सूरज जो तेज धूप गिरने दीजिए कमल के ऊपर, वो सूखता नहीं है क्योंकि उसके पास पानी है, उसे जो चाहिए पानी है,
इसीलिए कहते हैं यदि आपको आप ज्ञानी हैं, बुद्धिमानी हैं, आपने बहुत सारा ज्ञान हासिल किया है पढ़कर हो या किसी अनुभवों से, तो आपको क्या होगा, किसी भी जो है चीजों का यानी आप में कोई भी जो है संकट आने पर आप क्या करेंगे, उससे डरेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, अनुभव है, तो अपने आप कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक जगह खिला हुआ कमल, दूसरा जगह सूखा हुआ। सूख क्यों गया है? क्योंकि उसमें जो जलज जो है वो पानी में पानी खत्म हो गया है, इसीलिए सूरज के किरने पड़ने पर वो सूख गया। इसका मतलब आप ज्ञानी नहीं है, अनुभवी नहीं है ज्यादातर, तो आपको संकट आने पर आप क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं कहीं ना कहीं। देखिए आजकल जो है बच्चे मृत्यु तक प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़े नहीं है, मेरा एग्जाम जो है ठीक से नहीं हुआ, ऐसे मत करने के लिए कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर रहीमदास यही कह रहे हैं कि आपको आंतरिक जल, जैसे कमल जो है आंतरिक जल जो है होने के कारण सूरज भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसी प्रकार आपको भी जो है आपके आंतरिक ज्ञान जो है वृद्धि कर लीजिए, शब्द भंडार हो या कोई भी पढ़ना लिखना बढ़ा लीजिए, ताकि आपको कोई बाहरी संकट आने पर आप उसे जो है सामना कर सकते हैं। ये इस दोहे के अंतर्गत उन्होंने यही बताया है कि आपको आंतरिक जो ज्ञान है या अनुभव है उसे बढ़ाना है, ताकि कल आने वाले संकटों को आप घबराएंगे नहीं, उससे सामना करेंगे। यदि आपके पास देखिए एक एक टीचर है, वो कुछ पढ़कर नहीं आया है तो बच्चों के सामने क्या पढ़ाएगा? इसीलिए बच्चे इतने सारे होते हैं, उनको कंट्रोल नियंत्रण में रखते हैं, क्योंकि शिक्षक जो है उनके पास अपार ज्ञान की जो है संपत्ति होती है, उसके कारण बच्चों को जो है ज्ञान उनको प्राप्त करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको समझ में आया होगा कि रहीमदास ने किस तरह बताया है। इसीलिए आपका महत्व तभी बढ़ेगा जब आप जो है बहुत सारे किताबें पढ़कर उसमें से ज्ञान हासिल किया, तो आप ज्ञानी बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है पर किसी पर भी। यहाँ पर आंतरिक जल के कारण कमल नहीं सूख पाता, उसी प्रकार आपको संकटों को सामना करने के लिए आंतरिक ज्ञान शब्द आपका ज्ञान भंडार अनुभव होना जरूरी है कहते हैं। तो चलिए अगला जो दोहा है, अंतिम दोहा, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चूर। पानी जो है यहाँ पर पानी 3 बार आया है, तो यहाँ पर पानी जो है मोती के लिए चमक है, मनुष्य के लिए उसका जो सम्मान है, और चून यानी आटा के लिए नॉर्मल प्रकार का पानी है, यानी सामान्य रूप का पानी है। तो देखिए यहाँ पर रही मन बिन पानी सब सून, तो देखिए इसके शब्दार्थ देखते हैं पहले। पानी यानी यहाँ पर एक जगह चमक है, दूसरी जगह सम्मान है, तीसरी जगह जल है। सून यानी सूना व्यर्थ लगेगा, उबरे यानी चमक, मानुष यानी मनुष्य, चून यानी आटा, ठीक है, मोती यानी क्या है यहाँ पर, उभरे यानी चमके, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये तीन जो है तीनों के लिए पानी जो है अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका जो यहाँ पर दोहा जो दिया गया है, ये जो है ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है, ठीक है, ये श्लेष अलंकार, जिसे पानी जो है संदर्भ के अनुसार जो है उसका अर्थ चेंज हो रहा है, ये की शब्द है वो तीनों में जो है अलग अलग अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो रहीमन देखिए यहाँ पर कहते हैं कि मोती को ले लीजिए, मोती आप किस तरह उसे आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही चमकते हैं, तभी तो जाकर उसे आप इतने महंगे होते हुए खरीदते हैं, ठीक है, ज्यादातर महिलाएं, ठीक है, क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उसमें चमक ज्यादा होता है। तो मोती का क्या महत्व है, जब तक चमक रहेगा, ठीक है, चमक ही उसका पहचान है। उसी प्रकार मनुष्य, मनुष्य का सम्मान, जब तक वह सम्मान से जीता है वो अच्छा रहेगा, उसका चरित्र अच्छा रहेगा, जब तक अच्छा रहेगा,
कभी कभी देखिए उसके चरित्र जो है कोई दाग लगने से जो है कभी कभी मानसिक होकर वो मृत्यु तक प्राप्त करता है। ठीक है, ऐसे मनुष्य को आपको चरित्र अच्छा बनाना है तो सम्मान से रहना है तो आपको अच्छे काम करने हैं, दूसरों के बुराई नहीं करना है, भलाई सोचना है, आप भी जो है अच्छे विचार करना है, भगवान का नाम लेना है, यही जो है मनुष्य मनुष्य जो है अच्छे तरह से जी सकता है, सम्मान से जी सकता है। चून यानी यहाँ पर आटा है। देखिए आटा है, आटा कब बनता है, जब उसमें पानी मिलाकर जो है सही प्रमाण में पानी मिलाने के बाद आटा बनता है, तब जाकर उसे रोटियां बना सकते हैं। ठीक है, बिना पानी के वो रोटी बनाने के लिए होगा क्या, सही होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब जैसे आटे के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी जाकर उसे रोटियां बना सकते हैं। उसी प्रकार मोतियों को क्या महत्व है, जब तक उसका चमक है तो चमक के कारण ही जो है मोतियों को खरीदते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जो है सम्मान से, जब तक सम्मान से जीता है उसका महत्व उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ये तीनों चीजें जो हैं यदि किसी के पास नहीं है, आटे में पानी नहीं है, मोतियों में चमक नहीं है, मनुष्य में सम्मान नहीं है, तो उसका जीवन जो है व्यर्थ है, सब सून है यानी व्यर्थ है, ऐसे रहीम दास जो है कह रहे हैं अपने दोहे के माध्यम से। तो समझ में आया, यदि आप मनुष्य जीवन में है तो आपको सम्मान से जीना है, अच्छा ही करना है, बुरा मत कीजिए, और इन तीनों का महत्व जब तक है, जब तक उस मनुष्य का सम्मान है, मोतियों का चमक है, आटा बनाना है तो उसे पानी है, ये तीनों के वजह से जो है वे जो सम्मान से जी सकते हैं। तो इस तरह आज हमने जो है 9वां और 10वां और 11वां दोहों का विस्तृत जो है अध्ययन किया। इस तरह आज हमने पूरा जो है रहीमदास के दोहे जितने भी थे 1 से लेकर 11 तक समग्र रूप से हमने उदाहरण सहित अध्ययन किया। तो अगले वीडियो में जो है या लाइव क्लास में हम इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आने वाले PT 2 जो चल रहे हैं तो इसके मद्देनजर रखते हुए इन सब का जो है फिर से अध्ययन करने से आपको परीक्षाओं में आसान हो जाएगी। धन्यवाद।